हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चन है, एक बंदर 30 फुट लंबे पेड़ के नीचे है, हर प्रयास में वह 3 फुट ऊपर जाता है और 2 फुट नीचे सरक जाता है, बंदर कितने प्रयासों में पेड़ के शिखर पर पहुंच जाएगा। सपोज करो हमारे पास एक ही पेड़ है, इसकी जो यहाँ से और यहाँ तक की जो इसकी कुल लंबाई है वो 30 फुट है। अब बंदर अगर यहाँ पर है, अगर बंदर हमारे पास यहाँ पर है, सबसे नीचे बंदर है, अब यहाँ पर अगर बंदर है तो वो 3 फुट अगर ऊपर जाता है तो 2 फुट नीचे आ जाता है माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्रयास में मात्र वो 1 फुट चढ़ा, 3 चढ़ा, पहली छलांग लगाई मगर 2 नीचे सरक गया, तो 1 फिट मात्र उसने जो है अपनी दूरी तय की। तो यहाँ पर 1 फुट, 3 - 2 = 1 फुट की उसने दूरी तय की। अब आपको ध्यान ही रखना है कि वो पहली छलांग जो लगा रहा है वो 3 फुट की लगा रहा है, इसका मतलब ये है कि अंतिम छलांग अगर वो 3 फुट की लगाएगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा। अगर हम लास्ट में बात करें कि अंतिम जब उसका दूरी तय करने का चांस होगा तो वो 3 फिट की दूरी लगाएगा अंतिम में, तो जब वो 3 फिट की दूरी लगाएगा तो वो शिखर पर पहुंच जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो 30 में से -3 निकाल दो, 27 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 27 फुट इस पेड़ पर वो चढ़ गया। अब बचा कितना हमारा, 3 फुट, क्योंकि हमें चढ़ना, इसे बंदर को चढ़ना कितना है, 30 फुट। 27 फुट जो है 27 प्रयास चढ़ गया। तो अब अगला प्रयास करेगा वो, अगले प्रयास में 3 फुट जब ये दूरी तय कर लेगा तो वो 30 फिट की दूरी, उसकी टोटल दूरी हो जाएगी। तो टोटल दूरी अब होगी इसकी 30 फिट, और इसे समय मतलब कितना प्रयास करना पड़ा, 28 प्रयास, 28 बार का प्रयास करना पड़ा, तब जाके 30 फुट इसने दूरी तय की।